हेलो दोस्तों, डिजिटेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सब के लिए दो लाजवाब वेबसाइट लेकर आया हूं, जो आप सब के लिए काफ़ी मायने रखने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वो पहला वेबसाइट है hipdf.com, मतलब ऑल इन वन पीडीएफ सॉल्यूशन। इस वेबसाइट की मदद से आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ, पीडीएफ टू इमेज, इमेज टू पीडीएफ। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि इस ऑप्शन से हम एक से अधिक पीडीएफ फाइल को मर्ज करके एक ही पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन से पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पीडीएफ टू वर्ड बटन पे क्लिक करना है, फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है और फिर ओपन करना है। दोस्तों, पलक झपकते ही आपकी फाइल अपलोड होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी और आप यहां से कन्वर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपकी वर्ड फाइल अब पीडीएफ में सफलतापूर्वक कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों, इसी तरह एक्सेल की फाइल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। यहां हमने एक्सेल टू पीडीएफ में क्लिक किया, फिर चूज फाइल पे क्लिक करके एक्सेल फाइल को ओपन करना है और बस कुछ समय में ही वो एक्सेल फाइल अब पीडीएफ में कन्वर्ट होके डाउनलोड के लिए रेडी हो गया है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये देखें, हमारा पीडीएफ फाइल सफलतापूर्वक कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, दूसरा वेबसाइट है ilovepdf.com। दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से भी हम बहुत सारे फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, एक्सेल टू पीडीएफ, पीडीएफ टू एक्सेल, जेपीजी टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, पावर पॉइंट टू पीडीएफ और पीडीएफ टू पावर पॉइंट। इसके अलावा हम अपने फाइल पे वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी फीचर दी गई है, जो है ऑर्गेनाइज पीडीएफ। इस ऑप्शन की मदद से हम पीडीएफ की एक से अधिक पेज वाली फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ एक पीडीएफ फाइल को ऑर्गेनाइज करके दिखा देते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइज पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद एक से अधिक पेज वाले पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों, हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, किसी पेज को रोटेट कर सकते हैं और फिर किसी पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस पेज को डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, हमें ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं पीडीएफ ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये देखें दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है दिस टास्क हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुल्ली। अब हम डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी नई पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। ये देखें, हमने जो तीन पेज वाली पीडीएफ को दो पेज में ऑर्गेनाइज की थी, वो सफलतापूर्वक अब ऑर्गेनाइज हो चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ हम किसी पीडीएफ फाइल में वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, तो चलें इसे भी एक बार करके देखते हैं। यहाँ हमने वाटर मार्क पे क्लिक किया, अब यहाँ से पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना है और ओपन करना है। अब यहाँ वही लिखना है जो आपका वाटर मार्क होना है। यहाँ से आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं और इस तरह हम ट्रांसपेरेंसी की परसेंटेज भी दे सकते हैं। यहाँ हम वाटर मार्क के लिए स्पेशली पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ एक पेज में वाटर मार्क देना है या सभी में। अब दोस्तों, फाइनली हम यहाँ एड वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया और देखें, वाटर मार्क एड हो रहा है। अब ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।